सेलिब्रिटी करते हैं शुरुआत और सबसे पहले रुख करेंगे सिरोही का, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए हैं। ब्रह्म कुमारी संस्था की तरफ से खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं, इस सिंबल जहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहुंचे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और दीप प्रज्वलित कर इस वक्त कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर करते हुए। दीप प्रज्वलित कर ब्रह्म कुमारी संस्था की दीदी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। सुंदर मनोरम दृश्य है, दीप प्रज्वलन हम सब गाते रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गम्या, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और ये सिंबल उस चीज को साकार करता है। आज मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। राज्यपाल कलराज मिश्र भी कार्यक्रम का हिस्सा, और इसके अलावा दीप प्रज्वलित कर और कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम को रखा गया है। जहां इस वक्त पूरे देश में महिलाओं बच्चों की सुरक्षा उनके सशक्तिकरण को लेकर आवाज बुलंद हो रही है, मंच पर देख रहे हैं उसमें कार्यक्रम का हिस्सा राष्ट्रपति अपने हाथ और दादी जी के हाथ में देकर उनको उनकी सीट पर बिठा रहे। ये है परिवार, ईश्वरीय परिवार, जहां कोई सीमाएं नहीं होती। उसका एक ही सिंबल है, वो है प्यार। और वो प्यार जो निस्वार्थ, जो दिल से है, जिगरी है, उसको हम इस मंच पर देख रहे हैं। आज यदि आवश्यकता है तो सर्वाधिक आवश्यकता है मनोबल और आत्मबल की। और आत्मबल और मनोबल पैदा करने के लिए चाहिए गहन शांति की अनुभूति। जब मन शांत है, स्टेबल है, तब ही मनोबल उत्पन्न होता है। आइए, मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहन चक्रधारी, जो महिला विंग की चेयरपर्सन है और अनेक उपलब्धियों से सुशोभित है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया हमें वो गहन अनुभूति आप कराएं। ओम शांति। मंचासीन। तो भाई, दो तस्वीरें इस वक्त हम यहां पर दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और मंच पर जहां तमाम गणमान्य जो अतिथि हैं मौजूद हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ब्रह्म कुमारी संस्था की सबसे श्रद्धेय दीदी जो इस वक्त मंच पर, जिन्हें उनकी कुर्सी तक खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेकर गए। सम्मान यहाँ पर राष्ट्रपति का किया गया है। इस स्थल से जाना चाहेंगे और अभिवादन यहाँ पर उन्होंने किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ब्रह्म कुमारी संस्था में। और आज जिस तरीके से कार्यक्रम रखा गया है बेहद महत्वपूर्ण, अगर बात की जाए महिला सशक्तिकरण को लेकर, जिसका आज सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है आज के वक्त में, क्योंकि सबसे ज्यादा आवाज महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर आज पूरे देश में आवाज